गुमला जिला के चैनपुर व अन्य लॉक के भुक्तभोगी दर्जनों ग्रामीण आज बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा का आवास पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। चैनपुर गांव का मड़ई कोना का रहने वाला मनोरंजन टोप्पो ने बताया कि घाघरा नाथपुर का रहने वाला पवन यादव 2014 में उसके साथ पैसा डबल कर देने का वादा कर धोखाधड़ी करते हुए 25 लाख रुपया ले लिया। उसके साथ ही अल्फेंस लाकड़ा समेत दर्जनों ग्रामीणों से लगभग 50 लाख रुपए SSP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डबल कर देने के नाम पर पवन यादव के द्वारा धोखाधड़ी कर पैसा ले लिया गया, जबकि 5 साल पूरा होने और उसका मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी पवन कुमार यादव के द्वारा ग्रामीणों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। इधर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विधायक चमरा लिंडा ने गुमला KSP से बात की एवं प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। ये चीट फंड वाला एक चीटिंग है और इन लोग को रिसीव किया रहा है पवन कुमार यादव 25 लाख, 5.5 लाख, 2 लाख, 50 लाख से ज़्यादा उसने ठगा है लोगों से। सीधे सीधे लोग हैं और इनोसेंट लोग कहीं से अपनी जमा पूंजी को या तो फिर रिटायरमेंट का पैसा को, उसने कहा कि आपको बैंक में हम जमा करा देंगे, डबल पैसा देंगे, ऐसा करके ठग के कई साल हो गए, 10-15-20 साल 25 साल हो गया और ठगा हुआ, अपने अपना घर बना लिया कहाँ कहाँ पर, मतलब छीन लिया, लूट लिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, इन लोगों ने कहीं पर अभी तक गया नहीं है और किसी से कहा नहीं है। कल हम लोग SP साहब से बात करेंगे और इस पर कार्रवाई करने का ये अनुरोध करेंगे कि आप उस पर एक्शन लीजिए तुरंत और उसको अरेस्ट करिए या तो FIR दर्ज करिए। क्या न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? हाँ मिलेगा, उसको देना पड़ेगा पैसा, पैसा लिया है तो देना ही पड़ेगा। रिसीट है इन लोगों के पास में, सब रजिस्ट्री किया हुआ है, लिखा हुआ है, लिखित है सब कुछ। और चीटिंग तो चीटिंग है, कभी ना कभी तो ओपन होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने की चाह रहे हैं। अब बेड़ो बैंक वाले भी वो सबको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सारा पैसा दे दे और फिर क्लोज करे बैंक। मुख्यमंत्री से बात करेंगे और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे कि आप इस पर एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और फिर हम इस बार विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को रेज करेंगे हम इस बार आने वाला कल में, क्योंकि ये व्यापक एक बीमारी की तरह फैला हुआ है पूरा गुमला जिला में। हम तो देख रहे हैं कि हर घर से नहीं तो प्रखंड के कई लोग शिक्षित लोग भी इसका शिकार हुए हैं। अब चैनपुर प्रखंड जैसे लोग, जैसे जगहों से यहाँ एजुकेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वहाँ से हो रहा है, तो बाकी एरिया में तो और भी ज़्यादा ऐसा हुआ है और कुकुरमुत्ते की तरह ऐसा कंपनी फैला हुआ है। एक कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन अलाउ कौन करता है, परमिशन कौन करता है, सरकार कैसे इसको परमिशन दे देती है? गवर्नमेंट पदाधिकारी वगैरह लोग इन्हें परमिशन करके क्या उनको पता नहीं चलता है? पता चलता होगा, लेकिन सबकी मिलीभगत से ऐसा हो रहा है और सबकी मिलीभगत से हो रहा है, इसलिए हायर लेवल पर हम लोग इसको सभी लोगों को पकड़वा करके ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे और जितना लूट गया है, पैसा छिना गया है, उसको वापस करें और उसके बाद क्लोज कर दें सब, इस सब सिस्टम को क्लोज कर दें। मेरा नाम अल्फोंस लकड़ा है, गाँव है मालोना टोली अंचल चैनपुर। हम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम हुआ है, पवन कुमार यादव नाम के व्यक्ति ने हम लोगों को डबल गुना पैसा देने का वादा किया 5 साल में। 19 तक 2014 से 2019 तक मैच्योरिटी मिलने पर हम लोगों का जो पैसा जमा है वह डबल गुना हो जाएगा, ऐसा कहकर किसने आश्वासन दिया, लेकिन मैच्योरिटी के बाद उनका पूछ भी नहीं दिखाई देता है। कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा 2 लाख ही है। अच्छा, तो फिर आप लोग उनसे नहीं मिले? वो एक बार मिले थे, लेकिन बाद में धीरे 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 उनका ऐसा बोल का आश्वासन तो दिए थे, फिर अभी तक उसका पता नहीं है। मेरा पैसा ले गया। कौन ले गया? रामलाल यादव ले। पवन कुमार यादव। पवन 25 लाख पैसा आप एक बार में दिए थे? हाँ। क्या कह के ले गए पैसा? देंगे बोल के जो लिया। डबल करके देंगे? हाँ, डबल ले। तो अब पैसा आपका डूब गया? हाँ डूब गया। अच्छा, उसी का समस्या के लिए आप लोग आए थे? हाँ, उसी का समस्या से। माननीय विधायक चमरा लिंडा जी के पास हम लोग इसीलिए आए थे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। धोखाधड़ी इस मैंने पर हुआ कि यहाँ पर कंपनी को लेके आए और कंपनी ठग कंपनी और हमें झांसा देकर हमसे लूट लिया गया। इसीलिए हम लोग आए यहाँ पर चमरा जी के पास कि कुछ समस्या का समाधान हो या तो उसके लिए कार्रवाई करके हमारा पैसा किसी भी तरह से निकल जाए, हम यही चाहते हैं। माननीय विधायक जी ने क्या कहा?
माननीय विधायक ने कहा कि आश्वासन दिया कि हम लोग कल एसपी से बात करेंगे और इस पर मुख्यमंत्री के साथ भी बात करने का बात उन्होंने किया, मुख्य सचिव के साथ भी बात करने का भी बात किया और किसी भी तरह से पैसा को निकालने का बात किया। पूरी विस्तार से बताइए कि क्या पैसा लगा है, किनको पैसा दिए हैं, कब दिए हैं। ये करीबन 2014 में इन्होंने हमारे यहाँ आए, इस क्षेत्र में आए, चौनपुर क्षेत्र में, और 5 साल का उन्होंने टाइम लिए थे कि इतना दिन तक का आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस तरह से ठग का उन्होंने ठगा और आज तक 2023 हो गया, उन्होंने आज तक नमो निशान है, वो फोन भी नहीं उठाते। कौन आए थे पैसा लेने? पवन कुमार यादव। कहाँ के हैं वो? एक्चुअल घाघरा का रहने वाला और बेड़ों में भी घर बना के रहा। कुल कितना पैसा लोगों का फंसा है इसमें और कितने लोग इसमें हैं? बहुत फंसा है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ 6 आदमी लोग आए हैं। आप लोग कितना कितना पैसा फंसा? कोई 25 लाख, कोई 8 लाख, कोई 5 लाख। डबल कर देंगे वो कह के लिए थे क्या? जी जी, डबल करके कर देना, डबल हो जाएगा बोल के लिए। फिलोमिना बेग। कहाँ से आए हैं? चैनपुर मालूम नवा। आपका कितना पैसा फंसा है इसमें? इसमें मेरा 2 लाख। क्या कह के लिया था पैसा कंपनी वाला? वही डबल पैसा देंगे और हर एक महीना 2 पहुंचा देंगे, और पहुंचा ही रहे थे। कितना महीना पहुंचा दिए? 15। कितना पैसा फंसा हुआ है अभी? अभी तो मेरा 2 ही लाख। अच्छा, तो अब क्या आप लोग रास्ता निकाल रहे हैं इसके लिए? इसके लिए अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग विधायक के पास आए, कुछ उपाय हो जाएगा निकलने का, पैसा निकलने का, ऐसा सोच के आए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।